मुंबई से सटे वाकोला इलाके में एक रेस्तरां के कैशियर के साथ बुधवार को मारपीट करने वाले एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वाकोला थाने के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर विक्रम पाटिल मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने बार बंद हो जाने के बाद फ्री खाना और शराब मांगी थी और नहीं देने पर मारपीट की। पुलिस कमिश्नर हेमंत अग्रवाल ने बताया कि आरोपी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिस थाने में अधिकारी तैनात है उसी थाने में उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बता दें कि मुंबई से सटे वाकोला इलाके में स्वागत रेस्टोरेंट डाइनिंग बार के मालिक महेश शेट्टी ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि बुधवार को कुछ पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में रात करीब 12:30 बजे पीछे के दरवाजे से रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। रेस्टोरेंट बंद हो गया था और ज्यादातर स्टाफ घर जा चुका था। जब उन्हें बताया गया कि उनका स्टाफ घर के लिए रवाना हो गया है तो उन्होंने कैशियर रामदास पाटिल के साथ मारपीट की और उसे गाली दी। पुलिस अधिकारी की यह हरकत कैमरे में कैद हो गई। मुंबई पुलिस के प्रवक्ता डिप्टी कमिश्नर एस चैतन्य ने कहा कि पाटिल के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। निगम के प्रमुख शिवानंद शेट्टी ने कहा, इस तरह की चीजें न केवल पुलिस बल को बदनाम करती है बल्कि व्यापारी वर्ग के मन में उनके प्रति अविश्वास भी पैदा होता है। हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।